नमस्ते, मैं निखिल डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, सुर बजा रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं कोमल स्वर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे बांसुरी में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही कठिन विषय है। और ये जो कोमल स्वर बजाने होते हैं वो इतने आसानी से नहीं आते, बिगिनर को ट्राई नहीं करने चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद आप इसमें अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखना है, हर सुर आप भी अगर कोमल करने जाएंगे तो बहुत टफ पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको एक एक सुर कोमल करके सीखना होगा। और पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोमल स्वर है कितने। हमारे कोमल स्वर चार हैं, जिसमें आता है रे, गा, धा और नी। इनको लिखने का तरीका होता है, इनके नीचे डैश करते हैं। अगर शुद्ध रे होगा तो विदाउट डैश होगा, और अगर कोमल रे होगा तो उसके अंदर एक नीचे एक हम लाइन खींच देंगे, तो उससे आपको पता चलेगा ये शुद्ध है या कोमल। तो कुल मिला के 12 नोट होते हैं, उसमें से हमारे पास चार कोमल होते हैं, एक तीव्र होता है और बाकी शुद्ध होते हैं। तो ठीक है, कोमल स्वर करने के लिए आपको पहले लॉन्ग नोट का अभ्यास करना पड़ेगा, जो कोमल स्वर आप सीख रहे हैं, और वो कोमल स्वर इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। और तानपुर उसके लिए सुर अगर आपको लगाना आता होगा तभी आप वो कोमल स्वर को पहचान पाएंगे। सुर में होना बहुत ज़रूरी है, तब आप कोमल स्वर आ रहा है या गलत आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं आधा उठाने से आएगा, नहीं, ये आपको कान से मैच करना पड़ेगा, इसलिए कोमल स्वर तब भी कठिन हो जाते हैं। देखिए, ये पहला है आपका सा हुआ, फिर रे, या तो ऐसे खींच लीजिए, वैसे ऐसे रिकमेंड नहीं है, आप इसको उठा लीजिए ऊपर से, थोड़ा सा आपको ऐसे उठाना पड़ेगा ये। अब वो 50% हाफ नोट कहने का मतलब नहीं, हाफ में होगा, क्या पता वो आपके बांसुरी में 20% में निकल जाए आपके फूंक मारने के तरीके से। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हाफ बजाएंगे क्या, हाफ ही बजाना है, नहीं, हाफ 20% में भी निकल सकता है, 30% में भी निकल सकता है, वो आपके फूंक में डिपेंड है। जैसे मैं बजा रहा हूँ, अब मैं इसको अगर बढ़ा लेता हूँ, ये नहीं है कोमल स्वर, कोमल स्वर जब आप बजाएंगे तो एक अलग फीलिंग आएगी, एक अलग इन्वायरमेंट बनेगा, तो वो हल्के हल्के आपको वो समझ में आने लगेगा, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी, पहले आप सीखेंगे नहीं तो कैसे आएगा। तो कोमल स्वर के लिए आप क्या करें, पहले एक एक सुर को लॉन्ग नोट करें, जैसे रे कर लिया, हर बार मत एक सुर को ही करें। अगर आप रे से स्टार्ट करते हैं तो आप पहले रे को कुछ बहुत समय दें, एक दो मंथ तक रे को ही कीजिए, फिर उसमें सरगम प्रैक्टिस कीजिए। पर मैं एडवाइस करता हूँ, सबसे पहले कोमल नी सीखिए, फिर कोमल गा सीखिए, फिर कोमल रे सीखिए, फिर लास्ट में कोमल धा सीखिए। कोमल धा और कोमल रे थोड़ा ज़्यादा टफ होता है इन कंपेरिजन टू कोमल नी और कोमल गा, जो मैंने अपने प्रैक्टिस में पाया। कोमल गा कैसे होगा, रे को आपको हाफ कर देना है, रे को हाफ, ये गा शुद्ध, ये कोमल गा हो गया आपका, ये मा शुद्ध हो गया, ये पा हो गया, धा कोमल ये हो गया। पा को आपने करना है ऐसे ऐसे उठा लीजिए, ठीक है, वो हल्के हल्के आपको हाथ बैठने लगेगा, ये लोअर है, और कोमल सुर को जैसे धा और नी हो गया लोअर नोट में कीजिए। तो एक बार लोअर नोट में अगर अच्छा आ गया तो आप हाई नोट में भी कर पाएंगे। ये कोमल धा ये आपने कर लिया, और कोमल नी आपको धा को हाफ करना पड़ेगा, मतलब 23rd जो भी उसका सुर होगा, जिस जहाँ पर वो आएगा वहाँ पर रोकना पड़ेगा। कोमल स्वर के भी आपको लॉन्ग नोट्स करने पड़ेंगे, टफ होता है कोमल स्वर। फिर आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने एक कोमल स्वर सीखा, पहले कोमल नी किया, तो आप सरगम बजाएंगे, सारे गामा पाधा नी सा, उसमें कोमल स्वर लेंगे शुद्ध स्वर के बजाय, सारे गामा पाधा नी सा कोमल ले लेंगे वो, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर पिरामिड प्रैक्टिस करेंगे। जो आप शुद्ध स्वर में मैंने आपको प्रैक्टिस दी है वो आप उस कोमल स्वर को करेंगे। जब आपका वो कोमल स्वर आ गया तो आप दो कोमल स्वर ले लेना,
आपका कोमल नी और कोमल गा ले लेना। जब आपका दोनों अच्छे हो गए तो आप कोमल रे, कोमल गा, कोमल नी ले लेना। सब अच्छे हो गए तो आपका भैरवी राग बन जाएगा, सारे कोमल हो जाएंगे, रे गा धानी, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं एक कोमल लेता हूँ तो कैसे प्रैक्टिस करूँगा, दो कोमल, तीन, और सारे कोमल, तो कोमल स्वर में वॉल्यूम आना, जितने शुद्ध स्वर में आपकी वॉल्यूम आ रही है उतनी कोमल स्वर में वॉल्यूम आने के लिए बहुत समय लगेगा, उसके लॉन्ग नोट लगेंगे और उसमें स्पीड आना बहुत टफ है। तो इसलिए कुछ लोग, हम लोग कभी कभी ट्रांसपोज करके बजा लेते हैं जिससे हमारे कोमल स्वर शुद्ध बन जाए, वो अलग विधा है, पर कोमल स्वर सीखने ज़रूरी है। उसको सीखिए, काफ़ी राग आपके कोमल स्वर में आएंगे, भैरव, भैरवी, ये सब राग अगर कोमल स्वर आएंगे तभी आप बजा पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको प्रैक्टिस करने का तरीका आपने समझा होगा कोमल स्वर कैसे करें। फिर जैसे आपने और वीडियोस देखे वैसी कोमल स्वर के लिए प्रैक्टिस करनी है जैसे शुद्ध स्वर की कर रहे थे, बस उसमें कोमल ऐड करना है। और लॉन्ग नोट्स बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, थोड़ा लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होगा और लोग को शेयर होगी वीडियो और रिकमेंड करेगा अगर आपको अच्छी लगती है, बाकी सब्सक्राइब आप कीजिए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।